का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एमएसएच में। आज जो हम डिस्कस करेंगे आईटीएस से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशंस। जैसे कि पता रहता है आपको हर साल की तरह इस साल भी आईटीआई का वेस्ट बंगाल आईटीआई एडमिशंस स्टार्ट हो चुका है और ये आपका 1 मार्च से इसका फॉर्म फिलअप scbt.in स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशन वेस्ट बंगाल की वेबसाइट में आपका इसके अवेलेबल है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, आप वहां से भी चेकआउट कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता क्या है? इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जो 2 साल का या 1 साल का या 6 महीने का एक वोकेशन ट्रेनिंग कोर्स है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डिपार्टमेंट के द्वारा रन कराया जाता है ये कोर्स, और हर स्टेट में इसका अलग अलग स्टेट बोर्ड होता है। बंगाल का आईटी एडमिशन जो है फॉर्म फिलअप जो ऑनलाइन वो स्टार्ट हो चुका है, और जितने भी छात्र इस बार माध्यमिक एग्ज़ाम दे रहे हैं या पास आउट कर चुके हैं और फ्यूचर को टेक्निकल फील्ड में बनाने के लिए वो लोग आईटीआई के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और इसका स्कोप इसलिए बेनिफिट इसलिए आता है कि आने वाले फ्यूचर के टाइम में आपका इसकी वजह से वैकेंसीज भी आते हैं और बाय हैंड ऑन प्रैक्टिस आपको वर्कशॉप में प्रैक्टिस भी किया जाता है, जॉब ऑन जॉब बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको, प्रैक्टिकल बेस कोर्स है ये। अब लाइव उसको खस खुद से करते हो, खुद से सीखते हो, ठीक है। तो इसके एडवर्टाइजमेंट देख लेते हैं। वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग एडमिशन नोटिस, एडमिशन इन गवर्नमेंट आईटीएस, प्राइवेट आईटीएस और पीपीटी मॉडल प्राइवेट पार्टनरशिप्स 2023 और 23-24 और 23-25 के सेशन के लिए ऑनलाइन फॉर्म फिलअप विल कमेंस विथ इफेक्ट 1 मार्च 2023। और जिसका वेबसाइट आपको यहाँ पे दिया हुआ भी है, वेबसाइट देख पा रहे हो, इस वेबसाइट में आप जाकर के आईटीआई का फॉर्म फिलअप कर सकते हो। लेकिन इसमें ओनली वेस्ट बंगाल के जितने भी कैंडिडेट हैं वेस्ट बंगाल स्टेट के वही लोग इसको अप्लाई कर सकेंगे, याद रखिएगा। अब बाकी अदर स्टेट के हैं उन लोगों का भी अलग अलग स्टेट से फॉर्म निकलता है, तो अपने जो नियरेस्ट आईटीआई कॉलेज है वहाँ से संपर्क करें अगर दूसरे स्टेट के आप अगर हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर विलिंग, जो भी इच्छुक कैंडिडेट है जो भी एडमिशन के लिए वेरियस एनसीबीटी जितने भी आईटीआई के एनसीबीटी के एफिलेटेड क्राफ्टमैन ट्रेनिंग फोर्स है, जैसे फिटा इलेक्ट्रीशियन, टर्नर, कोपा, ब्यूटिशियन, टेलरिंग का, ठीक है, उनके जो सेशन 23-24 के लिए, 23-24 जो है 1 साल के कोर्स के लिए का भी होता है, आईटीआई 6 महीने का भी होता है और 2 साल का भी होता है, और 23-25 जो है वो 2 साल का है। तो आईटीआई में 2 प्रकार के फॉर्म होते हैं, एक एम ग्रुप के और एक ई ग्रुप के। एम ग्रुप में जिसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन होता है माध्यमिक पास, मिनिमम आपको माध्यमिक पास होना चाहिए, 10 पास, जिसको 10 पास कहते हैं, और एक ई ग्रुप का होता है जो 8 पास होता है, इसमें 8 पास आपको दरकार होता है मिनिमम क्वालिफिकेशन एडमिशन का। आईटीआई का आपको सर्टिफिकेट चाहिए तब आप एडमिशन ले सकते हो। और एक चीज़ ये ज़्यादातर ये देखा जाता है कि एम ग्रुप का 1 ईयर का भी कोर्स होता है, 2 ईयर्स का भी कोर्स होता है, और ई ग्रुप का ज़्यादातर जो कोर्स का ड्यूरेशन होता है वो 1 साल का होता है। अब हम लोग डायरेक्ट इसके वेबसाइट में चल जाते हैं, जो scbt.wb.in का वेबसाइट है, वहाँ पे आप देख पा रहे हो। और ये नोटिस जो है वेस्ट बंगाल स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग के सेक्रेटरी के द्वारा पारित किया गया है। जैसे हम वेबसाइट में जाते हैं scbt.wb वेबसाइट में, स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशन ट्रेनिंग इसके वेबसाइट मैंने खोला है, यहाँ पे देख पा रहे हो आप लोग, इसका नोटिस आपको दिखाई दे रहा है अलर्ट करके। ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर रिगुलेटेड, ऑनलाइन एडमिशन इज गवर्नमेंट आईटीआई और प्राइवेट आईटीआई 2023-24 और 23-25 फ्रॉम 1 मार्च 2023। ये इंफॉर्मेशन है डाउन, इसमें बहुत सारा आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगा कि क्या क्या क्राइटेरिया एडमिशन लेने का, प्रोसीड्यूर क्या है, इसके लिए मैं एक नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूँगा इसको। और जो लोग कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं न्यू कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में जाएंगे, और जो कैलिंगपोंग और टुंग के वेस्ट बंगाल के डिस्ट्रिक्ट के हैं कैंडिडेट, उन लोग के लिए अलग रजिस्ट्रेशन का लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। तो आशा करते हैं आज का टॉपिक आपको समझ में आया होगा।
वीडियो को ऐसा लगा हो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कि ITI का फॉर्म फिलअप कैसे फिलअप करते हैं और इससे रिलेटेड और एक मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको मैं आपके सामने मैं लेके आता हूँ। थैंक यू।